महाराष्ट्र में चुनावी शोर थमने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत ही विवादित बयान दे दिया। खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस की तुलना जहर और जहरीले सांप से कर दी। खड़गे ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी को मार देना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे महाराष्ट्र के सांगली में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। रैली में भाषण देने के दौरान खड़गे ने कहा कि अगर भारत में राजनीतिक तौर से सबसे खतरनाक कोई चीज है तो वह बीजेपी और आरएसएस है। बीजेपी और आरएसएस जहर की तरह है, अगर सांप काटता है तो वो इंसान मर जाता है। ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको, ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए, ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको, ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए, ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हार के डर से कांग्रेस बौखला गई है, इसलिए उनके नेता ऐसी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, कांग्रेस नफरत फैलाकर देश को बांटना चाहती है। आखिरी दिन एक ऐसा बयान सामने आया आप लोगों को लेकर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जहरीले सांप की तरह है, इस सांप को मार देना चाहिए। ये कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान है, ये प्यार बांटने की बात करते हैं। आसन्न पराजय से ये इतने बौखला गए, हरियाणा इनके हाथ से निकल गया, हरियाणा में भी कांग्रेस की हवा निकल गई, और ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र भी हार रहे हैं और झारखंड भी हार रहे हैं। तो किसी राजनीतिक दल को आप जहरीला सांप करके उसको मारने की बात कहोगे? ये नफरत की पराकाष्ठा है, नफरत की पराकाष्ठा। कांग्रेस केवल नफरत फैलाती है, वो जातियों जातियों के बीच में भी नफरत फैला रही। पहले कांग्रेस ने इसी नफरत के आधार पर, धर्म के आधार पर देश बांट दिया, और अब जाति के आधार पर देश बांटना चाहती है। ये नफरत की दुकान हिंदुस्तान में किसी भी कीमत पर चलेगी नहीं।